वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जहाँ जा वहाँ राम है। आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर सेवन न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इस चैप्टर में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं, तो स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ, जिनका नाम गौतम भी था, वो बुद्धिज्म के फाउंडर थे। उनका जन्म ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो हुआ था, मीन्स अराउंड 500 BC। और उसके बाद महाजनपद काफी स्ट्रांग होते जा रहे थे कुछ राजा, जैसा कि हमने देखा था पिछले चैप्टर्स में। उसके बाद बुद्ध जो थे वो एक छोटे से गण के क्षत्रिय थे जिसका नाम था शाक्य गण। और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधगया में एनलाइटमेंट हासिल किए थे मेडिटेशन करके, जब वो काफी दिन तक मेडिटेट किए थे। उसके बाद उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। बुद्धा का अर्थ होता है द वाइस वन, यानी कि जो बुद्धिमान हो, वाइस वन बुद्धा। ही वेंट टू सारनाथ नियर बनारस। बनारस के पास सारनाथ एक जगह है, वहां पे वो पहला बार अपना ज्ञान बांटे और पढ़ाए लोगों को अपना ज्ञान जो वो हासिल किए थे। उसके बाद उन्होंने ये पढ़ाया कि जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है और सफरिंग से, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों का इच्छा। हम लोग किसी भी चीज का डिजायर करते हैं या क्रेविंग करते हैं जो आमतौर पर पूरा नहीं हो सकता, और कई बार तो पूरा हो जाने के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते और चाहते हैं कि हमें और कुछ मिले। बुद्धा ने इस प्यास को या थ्रस्ट को तन्हा कहा, और कहा कि इसका एक ही उपचार है कि हम हर चीज को मॉडरेशन में करें, यानी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ना करें और किसी भी चीज को बहुत कम ना करें। बुद्धिज्म जो था वो एक मॉडरेशन का राह था, हालांकि आप जैनिज्म में देखिएगा कि वो सब कुछ का त्याग करने के लिए सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये सारनाथ में एक स्तूपा है। ये पहला जगह था जहाँ बुद्धा ने अपना मैसेज फैलाया था और टीचिंग दिया था। ये बनारस के पास है, यूपी में। उसके बाद वो उन्होंने ये भी बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि काइंड रहिए, यानी कि अच्छे रहिए, सबों का रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर ही क्यों ना हो। और वो कर्मा पे बिलीव करते थे कि जैसा भी आपका कर्म होंगे, अच्छे या बुरे, वो आपको इस जीवन में और अगले जीवन में दोनों में देखना होगा उसका रिजल्ट। और बुद्धा ने प्राकृत लैंग्वेज चुना, प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए ज्यादातर लोग उनकी बातें समझ पाए। और उन्होंने खुद से सोचने पर ज्यादा विचार किया। उन्होंने कहा कि लोगों को खुद इनकरेज किया कि आप खुद सोचिए, सिर्फ ये एक्सेप्ट ना कर ले जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक बार किस्सा गौतमी का एक कहानी दिया है, इसमें कैसे बुद्धा को उन्होंने कहा कि वो आई और कही कि मेरे यहाँ मृत्यु हुआ है, तो वो रो रही थी, तो बुद्धा ने उनको बताया कि जाके आप पता करके आए कि कौन ऐसा घर है जहाँ मृत्यु नहीं हुई है, वहां से आप कुछ मस्टर्ड सीड्स ला दीजिए तो मैं आपका आपके बेटे का जान वापस कर दूंगा। मगर उन्हें कोई ऐसा घर नहीं मिला। तो वो इस बुद्धा इसे टीच कर रहे थे कि कैसे हर जगह मृत्यु होती है और इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे हमें एक्सेप्ट करना है। फिर यहाँ पे सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है जो काफी इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर वो सेज जो उन्हें फाउंड किए थे उसका नाम बाद में लूंगा, पहले स्कूल का नाम लूंगा। पहला है वैशाषिका, जिसे कोनद ने ऋषि ने किया था। फिर न्याय, जिसे गौतम ने किया था। सामाख्या, जिसे कपिल ऋषि ने। योग, जिसे पतंजलि ऋषि ने। पूर्व मीमांसा, जिसे जामिनी ने। और वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा भी उसे ही कहते हैं, उसे व्यास ने किया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद उपनिषद का मतलब होता था आना, और वहां पर पास बैठना, अप्रोचिंग एंड सिट नियर, ये उसका लिटरल मीनिंग होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आत्मा और इंडिविजुअल सोल को कई थिंकर्स ने बोला कि ब्राह्मण और यूनिवर्सल सोल एक ही होते हैं और अल्टीमेटली ये दोनों एक ही हैं। उस समय काफी उपनिषद भी लिखे गए थे, और कई उपनिषद थिंकर जो थे वो ब्राह्मण ही थे या फिर राजा थे। और विमेन थिंकर काफी कम थी, मगर उनमें से एक गार्गी थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। रॉयल कोर्ट में वो डिबेट करती थी। और गरीब लोगों में सत्यकामा जवाला नाम के एक इंसान थे, जिनकी माता जो थी वो स्लेव थी, जिनका नाम जवाली थी, उन्हीं के नाम पे उनका नाम जवाला था, सत्यकामा जवाला। फिर पनिनी नाम के एक ग्रामेमियन थे, उन्होंने ही संस्कृत का ग्रामर तैयार किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम जैनिज्म पे चलते हैं। तो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर, और आखिरी तीर्थंकर थे भगवान वर्धमान महावीर। और उन्होंने मैसेज फैलाया था 2500 साल पहले। वो एक
जैनिज्म धारण करने से पहले वो एक क्षत्रिय राजा थे, राजकुमार थे लिच्छवी के, और ये वज्जी संघ का था, जिस वज्जी के बारे में हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो नॉर्थ बिहार में आता है, जहाँ डेमोक्रेसी थी। और उसके बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, बुद्ध ने 29 साल में छोड़ा था, इन्होंने 30 साल में छोड़ा था। और ये इनका एक सिंपल डॉक्ट्राइन था, यानी सोच था कि मेन और वेमेन जो जिन्हें भी सच जानना है उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और काफी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना होगा अहिंसा का, इसका मतलब किसी को न मारना न हर्ट करना। और ये भी प्राकृत में पढ़ाते थे तो काफी लोग इनसे कनेक्ट हो पाते थे। और प्राकृत जो है वो हर जगह का प्राकृत थोड़ा अलग होता था, जो मगध में बोला जाता था उसे मगही कहते थे, आज भी मगही भाषा बोली जाती है बिहार के कुछ इलाकों में। उसके बाद जैन लोगों को काफी सिंपल लाइफ जीना पड़ता था और खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता था, और उन्हें बिल्कुल ईमानदार रहना पड़ता था, और वो कभी चोरी नहीं कर सकते थे, और उन्हें सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ता था, और मेन को क्लॉथ्स भी नहीं पहनने की आजादी थी। और जैन का लिटरल मीनिंग होता है कंकरर, यानी कि इसका असली अर्थ हुआ कि जो अपने ऊपर ही अपने डिजायर्स को कंकर कर ले उसे ही जैन कहा जाएगा। और सबसे ज्यादा जाने जब कोई ट्रेजर लोग सपोर्ट करते थे, क्योंकि फार्मर इनसे सपोर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें इंसेक्ट को मारना पड़ता था और अहिंसा वो नहीं फॉलो कर सकते थे, तो उनके लिए रूल फॉलो करना काफी मुश्किल हो जाता था। तो नॉर्थ इंडिया में गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई सारे ट्रेजर्स ने इन्हें सपोर्ट किया, और इन एरिया में जैनिज्म काफी फैल गया। और वल्लभी जो गुजरात में है वहां पे 1500 साल पहले काफी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स भी मिले हैं महावीर के, जो आज भी रखे हैं। उसके बाद संघ क्या होता है, तो संघ जो होता है वो जब महावीर और बुद्ध फेल्ट किए कि लोगों को अपना घर छोड़ना होगा, तो वो एक जगह रहने का भी तैयार किए जो जहाँ वो लोग रह सके एसोसिएशन बना के, तो उसे ही संघ कहा गया। और बुद्धिस्ट संघ के जो भी रूल थे वो बुद्धिज्म के 3 पिटक में से एक विनय पिटक में लिखे गए थे, बाकी सुत पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद सभी लोग जो हैं वो लोग संघ को ज्वाइन कर सकते थे, चाहे वो कोई भी हो, मगर अगर वो बच्चे हैं तो उन्हें पेरेंट्स से, और अगर स्लेव हैं तो उन्हें अपने मास्टर से परमिशन चाहिए, और अगर वो लोग राजा हैं तो उन्हें डेबिटर से, या राजा के अंदर काम करते तो उन्हें राजा से और बाकी कर्जदारों से परमिशन, वुमेन को अपने पति से परमिशन चाहिए, तो उसके बाद वो लोग ज्वाइन कर सकते संघ। और वहां लोग ज्यादातर लोग मेडिटेट करते थे, और वो लोग भिक्खुज और भिक्खुनीज बन जाते थे, बेगर और भिक्खुनीज यानी कि फीमेल बेगर। और उसके बाद कोई भी ज्वाइन कर सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय मर्चेंट लेबर बार्बर कोटेशियन स्लेव, वो सभी फिर बाद में उनका वर्ण खत्म हो जाता था जब वो संघ ज्वाइन कर लेते थे। कुछ लोग ब्यूटीफुल पोयम भी लिखते थे संघ के जीवन के बारे में, तो कई बार बारिश होने लगता था और रहना मुश्किल हो जाता था, तो इसके लिए कुछ मोनास्ट्री बनाया गया नेचुरल केव के अंदर, लेकिन बाद में थोड़ा परमानेंट बना दिया गया, इसे ही विहार कहा गया। पहले तो ये विहार लकड़ी के बने होते थे, बाद में ये ईंटे के भी बने जाने लगे, स्पेशली पश्चिमी भारत में। वर्ण को भूल जाया जाता था जब वो लोग आ जाते थे बुद्धिज्म की शरण में, जैसा हमने पहले बताया। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा ये लोग बाहर भी फैला बुद्धिज्म काफी ज्यादा, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में। फिर आश्रम जो होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का, वो कोई जगह नहीं होता है रहने का या मेडिटेट करने का, ये स्टेज ऑफ लाइफ है। पहला था ब्रह्मचर्य, इसमें अर्ली ईयर ऑफ लाइफ। फिर था गृहस्थ, जिसमें हाउस होल्ड की तरह रहना। तीसरा था वानप्रस्थ, जिसमें फॉरेस्ट और मेडिटेशन करना था। और चौथा था सन्यासी, जिसमें सब कुछ छोड़ देना था। तो ये इसके बारे में आप लोग में भी सुने हो। उसके बाद जोरोस्ट्रियनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये एक मेजर रिलीजन था ईरान में पहले, ये जो आज के पारसी हैं गुजरात और महाराष्ट्र के, उन्हीं के एंसेस्टर थे। और जोरोस्टर जो था वो एक ईरान के प्रॉफिट थे, और उनका एक बुक था एवेस्ता, उसी में उसका सार वो वेद से काफी मिलता जुलता था, उसमें उसका एक टीचिंग था गुड थॉट्स गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, तो इससे काफी सिमिलैरिटी आप पता कर सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स हमने ऑलमोस्ट सभी डिस्कस कर ही दिए हैं, और आई होप आप एक्सरसाइजेस कर ही लेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी हैं, बुद्ध और महावीर का जन्म 2500 ईयर्स अगो, और जैन टेक्स्ट 1500 ईयर्स अगो। आई होप आप एक्सरसाइज कर ही देंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मस्ट शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।